दोस्तों स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3। तो दोस्तों 1.3 का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो दोस्तों पहले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताया था, इस वीडियो में आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 अब हम शुरू करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे क्या कहा गया है। एक्सप्रेस 0.999- इन द फॉर्म पी क्यू। आर यू सरप्राइज्ड इन योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। इन्होंने इस क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन में हमारा क्या कहा है कि हमें 0.99- को पी क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। आर यू सरप्राइज्ड इन आंसर, जो हमारा आंसर आएगा क्या आप उसमें सरप्राइज्ड हो जाएंगे। विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस, हमें डिस्कस करना है जो हमारा आंसर आया है उसकी क्या सेंस होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में अब हम सॉल्व करते हैं। तो अब हम लेट एक्स इक्वल टू 0.999, हम 9 को 2-3 बार लिख लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर डैश लगा देंगे। एक्स के बराबर मान लेंगे हम 0.999- को, x इक्वल टू 0.999-... ये हमारी इक्वेशन 1 हुई, ये हमारी इक्वेशन 1 हुई। तो दोस्तों ये हमारी इक्वेशन 1 हुई। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जितनी हमारी डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, जिसके ऊपर हमारा बार का चिन्ह है, उतने के आगे हमने हमारे आपके बार 1 डिजिट के ऊपर बार है, वो हमारी 1 डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। तो हमें 1 के आगे 10 लगानी, 1 के आगे 10 लगानी है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो हमारी 1 डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रही है, तो अब हम 1 के आगे 0 लगा देंगे। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय 10 टू इक्वेशन वन। हमें मल्टीप्लाई करना है 10 को इक्वेशन 1 की 1 से। इक्वेशन 1 से 10 मल्टीप्लाई एक्स कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 10x, और 10 मल्टीप्लाई 0.999- को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये जो हमारा पॉइंट है 9 के आगे जो हमारा पॉइंट लगा हुआ है, ये हमारे 1 डिजिट पीछे लगा देंगे, उसके पीछे लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9.99। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 3 9 है इक्वेशन 1 में, और 2 इक्वेशन में हमारे 2 9 है, छिपे हुए 9 में से हमने 1 9 निकाल लिया। यहाँ पर हमारे 3 9 हो गए, यहाँ पर हमारे 3 9 हो गए। 10x इज इक्वल टू 9.999- हमारे आप बेबी 9 बहुत रिपीट हो रही। तो ये हमारी क्वेश्चन 2 हुई, ये हमारी क्वेश्चन 2 हुई। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारी दूसरी क्वेश्चन है -1 इक्वेशन कर देंगे, जो हमारी दूसरी क्वेश्चन है दूसरे क्वेश्चन में से -1 इक्वेशन कर देंगे। तो अब हम करते हैं, पहले हम दूसरी क्वेश्चन लिखेंगे 10x इज इक्वल टू 9.999- और पहली क्वेश्चन लिखेंगे हम -x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हमने माइनस कर दिया, -x इज इक्वल टू 0.999-। तो अब हम इन्हें माइनस कर लेंगे, 10 में से माइनस एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 9x इज इक्वल टू, अगर हम 9.999- -0.99- करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 9 गया तो कितना आ गया हमारे 0, और 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, यहाँ पर हमारे 3 0 हो गए, और यहाँ पर हमारे पॉइंट के पीछे हमारे 3 9 थे दूसरी क्वेश्चन में, और पहली क्वेश्चन में हमारे पॉइंट के आगे हमारे 3 9 थे। तो 9 में से 9 गया तो 0, और दूसरे 9 में से 9 गया तो 0, तीसरे 9 में से 9 गया तो 0, ये हमारे 0 आ गया पॉइंट के आगे। अगर हम 9 में से 0 गया तो कितना आ गया हमारा 9, तो ये कितना हुआ हमारा 9x इज इक्वल टू 9। ये जो हमारे 9 के बाद पॉइंट 0 0 है, ये लगाना इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही हमने लगाना है। तो x इज इक्वल टू 9 बाय 9। अब हम ये जो हमारा 9 बाय 9 है वो एक ही टेबल से डिवाइड हो रहा है, 9 1 9 9 1 1 1 बाय 1। तो ये हमारा 1 है इसका आंसर, x इज इक्वल टू 1, ये हमारा 1 आंसर है। तो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन का हमारा 1 आंसर है। तो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके बताने कि आपको कैसे लगी। तो दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं,